सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट जानकारी है। इसलिए जानकारी इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हैं अपने सिविल आईडी कार्ड को लेकर, फ्लाइट को लेकर और अपने वीज़ा को लेकर। और यहाँ पर इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल जवाब हैं, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुवैत के अंदर देखिए मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कहा ये जा रहा है कि अगर कोई भी बंदा कुवैत के अंदर रहता है तो गलत एक्टिविटी ना करे, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। और कोई भी बंदा चाहे वो किसी भी तरीके से छोटा मोटा बड़ा रूल कोई भी तोड़ता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और कुवैत से निकालने की तैयारी चलना शुरू हो जाती है। हमेशा के लिए फिंगर करके निकाला जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब लोगों के सवाल क्या आ रहे हैं, अभी लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि हमारा सिविल आईडी कार्ड जो है वो पहले का बना हुआ है और हमने जगह चेंज कर दी है, काम चेंज कर दिया है, तो क्या हम उसी सिविल आईडी कार्ड पे काम कर सकते हैं या दूसरा काम बनवाए, क्या करें क्या नहीं करें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप आराम से अगर अपना कफिल वही, आपका कंपनी वही है लेकिन आपका एड्रेस चेंज हो गया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें आपकी कंपनी करवाएगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं है। अगर आप बात करते हैं कफिल का, आपका वीज़ा है किसी भी तरीके से, तो आप कफिल को बोलें या खुद से चीज़ों को चेंज करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देने वाली हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इनको इग्नोर करते हैं तो आपको परेशानी ज़रूर हो जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लाइट के हवाले से। जो लोग भी कुवैत के अंदर रहते हैं, अगर फ्लाइट आप इस टाइम पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नॉर्मली प्राइस हैं, कोई भी इस टाइम पे ऑफर वगैरह डिस्काउंट वगैरह नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब थे, कोई डिस्काउंट वगैरह कोई ऑफर वगैरह इस टाइम पे चल रहा हो तो बता दीजिए, तो कोई भी इस तरीके का अपडेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप बात कर लेते हैं भाई, जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, जिन लोगों को परेशानी आ रही है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट दिया गया है कि 12 यानी कि कल की डेट में आपको एक मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग में आप भाग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और तभी आपको परमिशन मिलेगी। जो भी आपकी परेशानियां हैं तो आप उनको जाके वहां पर बता सकते हैं, इंडियन एम्बेसी आपको वहां पर सलाह देगी। आपको जो है जो भी परेशानी आ रही होगी तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई सजेशन जरूर देगी। ध्यान रखिएगा, ये खाली इंडियन लोगों के लिए है, बाकी अदर अदर कंट्री की जो है एम्बेसी अलग अलग मीटिंग वगैरह करती हैं, तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन अभी खाली इंडिया वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर निकल गई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी छूट का फायदा नहीं लिए हैं, तो जल्द से जल्द छूट का फायदा ले लें, क्योंकि वो टाइम करीब आ रहा है जो क्या कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से फाइनली डेट ऐलान कर दी गई है। जैसे कि आपको मालूम है 17 जून से पहले पहले आप इसका फायदा ले सकते हैं। अगर बाद में आप किसी भी तरीके से करते हैं या फिर बाद में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी और आपको उस चीज़ का फायदा नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। और किसी भी तरीके से फायदा लेना है तो जल्द से जल्द फायदा लें। जो भी इलीगल लोग हैं, इलीगल तरीके से काम काज कर रहे हैं कुवैत के अंदर, तो फायदा ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।